आमतौर पर अपराधियों पर खाकी वर्दी कार्रवाई करती है, मगर चंद्रपुर शहर में खाकी वर्दी के बजाय सफेद वर्दी ने कारनामा कर सुगंधित तंबाकू का जखीरा पकड़ा। कैसे दबोचा गया अपराधी को, जानते हैं इस खबर में। चंद्रपुर जिले में अनेक वर्षों से चोरी छिपे सुगंधित तंबाकू की तस्करी की जा रही है। वही 30 सितंबर को चंद्रपुर जिले के खाकी नहीं बल्कि सफेद वर्दी ने सुगंधित तंबाकू के तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया। मिली जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को चंद्रपुर पुलिस के यातायात विभाग के पुलिस उप निरीक्षक सुधीर यादव शहर के तुकुम भाग के आजाद चौक परिसर में अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दरमियान एक चौपहिया वाहन क्रमांक MH36AA2443 को यातायात विभाग की टीम ने रोका। वाहनों के कागजातों के जांच के संबंध में जब वाहन चालक से पूछताछ की गई, तब जवाब में वह हड़बड़ाने लगा। पुलिस की टीम को उस वाहन चालक पर शक आया तो उन्होंने तत्काल वाहन की जांच की तो उसमें से सुगंधित तंबाकू का जखीरा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 8,96,080 रुपये मुद्देमाल के रूप में आकी गई और इस संबंध में रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह सफल कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, यातायात पुलिस अधीक्षक रोशन यादव, प्रवीण पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सुधीर यादव तथा यातायात विभाग के कर्मचारियों ने अंजाम दिया और इस प्रकरण की आगे की जाँच रामनगर पुलिस कर रही है।